हेलो भाई। हेलो भाई, बोलो। कहाँ चले? वो बर्फ इलाके में जाता है। अब भाई ये थे एमके रावत जी। अब हम इनसे कहे कि भाई वहाँ तो बहुत बंदे आएंगे, मत जाएंगे हम लोग, तो ये तो चौड़ में ही आ गए एकदम। नहीं मानना भाई, तुम जाओ। हाँ? हम ऐसे ही खिलाड़ी हैं। ओ भाई, एटीट्यूड कैसे खिलाड़ी हो भाई तुम? पता चलेगा। ओ भाई, ओ भाई। अरे भाई, अभी तक बंदे नहीं आए यार, क्या बात है? आ जाएगा भाई, थोड़ा तेज सबर कर। कब आएगा भाई? जब कुमकुम भाग्य विधाता में प्राची की गोद बराई हो जाएगी तब। भाई चलो चलो, सबकी लूट हो गई, निकला जाए। नहीं भाई, एक मिनट सबर कर लो, मेरे पास गन नहीं। भाई इतना टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी गन उठाओ, हम ऐसे ही खिलाड़ी हैं। हम कह लाओ थोड़ा दो नंबर का जीके का टेस्ट ले लिया जाए। भाई ये बताओ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? पता नहीं। पता नहीं? पता क्या यार, इतना भी नहीं पता तुम्हें? चा। खाली पीली रोकने का नहीं, तेरा पीछा करूं तो टोकने का नहीं। अरे अजीत, कहाँ घूम रहे हो लल्ला, पूरा खाऊंगा तुमको। चलो बेटा ऊपर, लगता है इस घर में कोई कैंपर विराजमान है, देखना पड़ेगा। आ रहे भैया, आ रहे कैंपर महाराज जी, आ रहे। ओ भाई, भम्मा भम्मा भम्मा, निकल यहाँ। सीढ़ी पे बैठ के किसका प्रतीक्षा हो रहा था मैनम जी? भाई न जाने इनके टीममेट उम्मेट कहाँ थे, पता नहीं। हम के गाड़ी में बैठो भैया फटाफट। अब भाई यहाँ पे छपड़े वाले मकान के पास जैसे ही आए, तब तक केड़ी भाई देवता दिखते हैं। हम के मारो भाई, सामने बंदा है, मारो। तो बबलू जी तो आराम से गाड़ी में बैठ के खराटे मारने में लगे हैं। अब आधे घंटे बाद नींद खुली है इनकी। मारो भाई, मारो फटाफट, मारो यार, मारो भाई, क्या हो गया? मुझे माफ कर दिया आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। बगी में दो बंदे होते हैं। कोई बात नहीं, हम और हाइड्रा जा रहे हैं, तुम यहीं से कवर देना, ठीक? अब भाई हम लोग एकदम चौड़ में निकल गए बंदों को मारने के लिए। अब भाई पता नहीं कौन नसुड लगा दिया था, एक को पिचकिया हुआ ही नहीं। हम क्या, भागो भैया जल्दी यहाँ से। अच्छा तो ये दो नंबर यहाँ बैठ के नसुड लगा रहे हैं, पता चला? अब पता चला। अभी दो नंबर से निपटेंगे, जरा पहले बंदों से निपट लिया जाए। भम्मा भम्मा भम्मा, कहाँ पिंकी प्रॉमिस, कहाँ टहलते हुए चले आ रहे हो? तो बराती उराती में जा रहे हो कहाँ? अब भाई ऊपर से हाइड्रा फौजी जी चिंटू कुमार को नॉक कर देते हैं। हम कह यही सही मौका है, पहाड़ी पे कब्जा कर लो। मारो, खत्म, टाटा। क्यों भाई दो नंबर, अब पता चला है? अब पता चला कि नहीं? नहीं भाई। अच्छा भाई नहीं पता चला, कोई बात नहीं, अभी पता चल जाएगा। हम तो ऐसे ही खेलते हैं, हम तो ऐसे ही खेलते हैं। वैसे ही खेलते हैं, वैसे ही तू खेलते हो, मेरा नेट नहीं। अब लगे भाई सब बहाना माने, मेरा नेट चल ही नहीं रहा था, टावर पकड़ ही नहीं रहा था, लाइट आ ही नहीं रही थी, मम्मी ने की घंटे के लिए फोन दिया था। बैठो भाई बैठो, रुक जाओ मेरे पास। अरे भाई तुम लोग की लूट खत्म ही नहीं हो रही है, मैं जा रहा हूँ भाई, मैं जा रहा हूँ, रुक जाओ ना। भाई बबलू जी तुरंत लपक के बग्गी पे बैठ गए और ये पीछे छूट गए, लगे गाड़ी पे गोली चलाने। क्या हुआ भाई, गाड़ी पे क्यों गोली चला रहे हो, छूट गए क्या वही? बबलू भाई बंदों के पास ले चल रहे, तैयार रहना बबलू भाई। यार मुझे ऐसे क्यों छोड़ा? अरे यार इसमें दो ही लोगों की तो जगह है बैठने की। भाई ये दो लप्पू झप्पू बग्गी से बहुत स्टंट मार रहे थे, पिचकियों करने वाले थे, लेकिन भाई सब बच गए। रुको गाड़ी से उतर के मारता हूँ तुम दोनों को। भम्मा भम्मा भम्मा, निकाल। डॉन, कार्टून ने तुमको चारों तरफ से घेर लिया है, एक काम करो, सारा कैश और अपनी गर्लफ्रेंड मुझे दे दो। तुम लोगों ने कार्टून के ऊपर गोली चला के बहुत बड़ी गलती कर दी।
तो भाई इसी बात पे एक शायरी हो जाए कि डूब जाए आसानी से, मैं वो कश्ती नहीं, मिटा सको तुम मुझे ये बात तुम्हारे बस की नहीं। भाई 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 भाई, चाय 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 चाय। अरे भाई इतना शोर क्यों मचा रहे हो, कोई बंदा है क्या तुम लोगों के पास? हाँ भाई भाई, ये लोग तो ऐसे हल्ला मचा रहे थे जैसे गांव में कौनो लव मैरिज उरिज करके आ गया हो। हम कह रुको अभी आ रहा हूँ, मैं बताता हूँ इस बंदे को। भम्मा 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 भम्मा, हम ऐसे ही खेलते हैं। तो भाई एक भैया कह रहे कार्टून, मेरे पास दो घोड़े हैं, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हारी शादी में फ्री में दे दूंगा। मतलब भाई तुम्हारे दो घोड़े फ्री में लेने के चक्कर में हम शादी कर लें, शादी के बंधन में बच जाएं, उसके बाद में बैठ के लल्ला और लल्ली को लोरियां सुनाएं। लोरियां नहीं चाहिए मुझे, तुम्हारे दो घोड़े निकाल चल। भाई इधर पैरों की खड़बुड़ खड़बुड़ आवाज आने लगी, हम कहे कोई था तो नहीं, ये अचानक से बंदे कहां से आ गए, कौन अब घर में घुस गया है? चलो भैया आधे घंटे से हेल्थ किट ढूंढ रहे थे, हेल्थ किट का जुगाड़ हो गया। तब तक भाई बगल वाले घर से पैरों की खड़बुड़ खड़बुड़ आवाज आने लगती है। अब भाई हम इधर आके केडी बढ़वाने लगे, उतने में विवेक के टीममेट आके पीछे वाले घर में लगे भना भन बम फेंकने। हम बैठे हैं इस घर में, उस घर में क्या इन लोगों को आत्मा फातमा दिख रही है क्या? रुक जा भाई, मेरे से ये वेस्टेज देखा नहीं जाएगा, हम ही चलते इन लोग से चल के पूछते हैं। एक्सक्यूज मी, जब घर पे कोई है नहीं तो आप लोग इतना बम क्यों फेंक रहे हैं? ये कोई तरीका है? बताओ यार, पूरा बम वेस्ट कर दिया। भाई 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 भाई, क्या भाई भाई, एक सिंगल आदमी थे हम, वो भी नहीं मारा जा रहा है, क्या गुंडा बनेगा रे बाबा। भाई सामने एक जीप जा रही थी, हमको लगा बंदा अकेला है तो हम बॉट फायर कर देते हैं, पर हमको ये नहीं पता था कि पूरी की पूरी स्क्वाड है। अब भाई देखो इन लोगों को कैसे मारते हैं, भाग भाग जल्दी भाग। तब तक ऊपर से आवाज आती है, यही संस्कार है, यही परंपरा है, यहाँ खाली 5 गोली गुम्मे में है और हम बैठ के परंपरा और संस्कार निभाए नहीं निभाएंगे, जॉब करा दो FIR निकाल। भाई बंदे पिस्टल से बॉट फायर कर रहे थे, 2 नंबर चौड़े में आए और चले गए, बंदे उठा के वहीं पटक दिए। हम कहे चलो भाई आप तो जाना पड़ेगा ही, लेकिन ये पहले माइक बंद करो, पता नहीं कौन स्प्लेंडर प्लस का हॉर्न लेके चौपा एकदम खोपड़ी खा गया था। खाली उछलते ही रहोगे कि बंदूक उंदूक भी चलाओगे? ऊपर से नाम है SS 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 KZ, पूरा भाई साहब SS का ट्रेने चला दिए हैं। अब भाई पीछे से इनके टीममेट पूरा आग बबूला लगे सब दरवाजा फोड़ने फाड़ने। अब भाई अपने टीममेट को बचाने नहीं आ रहे, लगे पड़े हैं दरवाजा तोड़ने में। कह तोड़ते रहो दरवाजा, मैं तब तक इनको तोड़ देता हूँ। हाथ पैर तोड़ के इनको ऊपर पहुँचा दिया, एक तो पता नहीं कौन सा नाम लिखे थे समझ ही नहीं आ रहा था। ये भाई साहब पूरा गाड़ी तुलित लगा के गुड़ा भाग करके आधे घंटे बाद आ रहे चड्ढी ऊपर करके। चल चल निकल 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 बाजू बाजू। तब तक भाई इनके आखिरी टीममेट आए और अंगद जी को दौड़ा लिए। हम कह मेरे को ये किल चाहिए, हटो भाई हटो, निकलो भैया ऊपर निकलो। लो भैया किल ही चोरी हो गया, गजब हाल है यार। मतलब प्ले स्टोर से BGMI गायब हो गया, फ्रिज से मिठाइयां गायब हो रही हैं, इधर ये भाई साहब किल ही चोरी कर ले रहे हैं। व्हाट इज दिस यार, आई नीड सम स्पेस यार, आई नीड सम टाइम ब्रो। अब भाई ऐसे ही कोई जब गेम बचेगा नहीं तो हमको तो लग रहा है सब लोग फिर व्लॉगिंग स्टार्ट कर देंगे, मोबाइल हाथ में लेके, हाय गाइस हम लोग जा रहे हैं बिहाने बिहाने स्कूल। कोई कहेगा हाय गाइस वी आर गोइंग टू ईट पानी पूरी सो यम्मी मम्मी। अब भाई इधर एक माफिया जी की स्क्वाड आई थी, तब तक अंगद जी को प्रसाद मिल गया। अब हम इधर गुली गुली कर ही रहे थे तब तक आ गए बाबा जी, भम्मा 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 भम्मा, निकल निकल चल निकल, माफिया हो गए अपने घर के हो गए, चलो निकलो। Oh my god, what is this? This is totally unbelievable, fantastic, fantabulous. भाई क्या मारा है यार, सुपर यार भाई, एक नंबर हेलो भाई। भाई एक नंबर हेलो। अरे थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, क्या मारा है भाई। भाई फैन हो गया यार मैं तुम्हारा। ये भाई साहब तो कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं,
कहीं अरहर की दाल में उड़द की दाल मिक्स तो नहीं है? कहाँ रहो भाई? भाई मैं हूँ यूपी से। भाई मैं भी यूपी से हूँ। कहाँ से? बस्ती सुना है? मालूम है भाई, वो गोरखपुर के पास है ना। भाई हमारे मन में बस्ती आया, हमने बस्ती बोल दिया। अब हमको क्या पता बस्ती कहाँ पे है। हमका जल्दी मारो आखिरी बंदे को, वरना कहीं ये मेरा टेस्ट न ले ले। भाई इस मैच में हमारे टीममेट ना ईस्ट पोर्ट उतर रहे हैं, ना टाइडल उतर रहे हैं। जा रहे थे पता है कहाँ? चरच। अब वहाँ जाके हम क्या करते? हम कहे चलो भैया पायलट प्लाजा में उतर के लूटा जाए। तो भाई एक भैया कहते कार्टून, अगर तुम मेरे गेम में आए तो मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा। हाँ? टेस्ट लोगे? ठीक है भाई, मैथ का लेना, क्योंकि मैथ में मुझे सारे टेबल याद है 11 तक। ईडी वाले, ईडी का छापा, जितना भी कैश घर में रखा है बाहर निकाल, देख ईडी का छापा पड़ गया है। बंदूक झोले में रखे हो, मुट्ठी बांध के पता नहीं क्या कर रहे हैं। क्या भाई दिमाग में कुछ हड़ताल चल रहा है क्या? एक काम करो, बादाम पानी में भिगो के सुबह खा लिया करो, तुम्हारा दिमाग एकदम घोड़े की तरह तेज दौड़ेगा। हो हवा में उड़ता जाए, हो तेरा लाल रुपट्टा मलमल का, हो तेरा लाल रुपट्टा मलमल का। हाँ जी पिच गया हूँ। हाँ जी। अब भाई हम गाड़ी से उतर के इनको ठेल तो देते, लेकिन चारों तरफ से कोई AWM से चम्मच चम्मच कर रहा था, कोनो का 98 लेके खटर पटर कर रहा था। तब तक भाई देख रहे बिल्डिंग की खोपड़ी पे एक बंदा आराम से बिस्तर उस्तर बिछा के लेटे हुए आराम फरमा रहे हैं। अब भाई गाड़ी लेके आ गए, कोई होश ठिकाना ही नहीं है। उठ जल्दी उठ, उठा अपना बड़ा बिस्तर उठा, और इनका नाम देख लो, ये क्या नाम है? माचो चौधर। भाई इधर पता नहीं कौन गोली उली चला रहा था, तब तक सामने दिख गया लूटपाट मचाया था। कुछ लो कुछ लो, अरे भैया निकल गया, कोई बात नहीं दोबारा आता हूँ। हो बिल्लो रानी का हो तो अभी जान दे दू। अरे भैया थोड़ा आँख वहाँ खोल के चलो, अभी गाड़ी के नीचे आ जाते तो, तब तक कहते कि गाड़ी चलाने नहीं आती, फलाना धमाका। रुक जाओ, इनको पहले जरा गाड़ी से उतर के रूल्स एंड रेगुलेशन सिखा दू। अब भाई दोनों तरफ से गोलियां भाना भन चलने लगी, तब तक भाई इनका टीममेट आ गया। हम कह रुक जा पहले हेल्थ किट लगा ले, हाँ रिलोड कर ले, अब बताता हूँ। अरे भैया, ओ भाई फिर से घूमने वाले को मार दिया। एक लाइक तो बनता ही है बॉस, फटाफट भाई लाइक कर दो। तो भाई इसी बात पे एक शायरी हो जाए कि ऐसा कोई शहर नहीं जहाँ अपना कहर नहीं, ऐसी कोई गली नहीं जहाँ अपनी चली नहीं। भाई 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 चाई 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 चाई। अब भाई इस मैच में जो हमारे टीममेट थे बहुत ही खतरनाक, मतलब भाई पूरा मैच खत्म हो गया था। इन लोग का डैमेज पता है कितने का था? 0 का। भाई आखिरी की एक स्क्वाड बची थी, हम क्या चलो टीममेट लोग के साथ रहा जाए। तो हमारे टीममेट ऊपर गए थे छत पे ऑक्सीजन लेने, तब तक कोनो इन लोग का मुंह खोल के कार्बन डाइऑक्साइड घुसेड़ दिया। चलो निकलो 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 फटाफट निकलो। अब भाई एक बंदा आराम से सांप बन के AWM बहुत देर से चला रहा था, थोड़ा इनकी कनपट्टी पे प्रसाद दे दिए, उधर हमारे टीममेट बिना वजह नॉक हुए पड़े हैं। अब भाई कहीं उसका गुली गुली ना हो जाए, हम तुरंत गाड़ी लेके निकल लेते हैं। अरे कोई हमसे जीत न पाए, बढ़े चलो बढ़े चलो। लो भैया टायर ही पंचर कर दिया, हट। भाई हमारी आदत ऐसी हो चुकी है कि जब तक कोई डंडा नहीं करता है तो हमको लगता है कि सब ठीक चल रहा है। अब जब हम यहाँ लड़ाई करने आए तब माफिया जी हेल्प हेल्प हेल्प, हम तो सोचे कि ये मर चुके थे पर ये तो अभी जिंदा थे। तुम बहुत गोली चला लिए भाई, अब तुम्हारे ऊपर जाने का टाइम आ गया, चल 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 निकाल। अरे जब तक रहेगा समोसे में आलू, उधर कहाँ देख रहा भैया, निकलो फटाफट। लो भैया अब क्या हेल्प हेल्प, मैं यमलोक पहुंच गया।